नमस्कार, मैं हूं दीपक पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं खरगोन के शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर के बिल्डिंग परिसर में और मेरे साथ यहां के विद्यार्थी मौजूद हैं। हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आज से कुछ दिन पहले दशहरे के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां महेश्वर आए थे और शस्त्र पूजन के दौरान उन्होंने इस महाविद्यालय का नाम बदलने की घोषणा की थी और इसी के साथ उन्होंने अपनी घोषणा में शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर का नाम बदलकर आचार्य पंडित मंडन मिश्र रखने की घोषणा की थी। इसी बारे में हम यहाँ छात्रों से बात करेंगे कि इस नाम के बदलने के पीछे छात्र क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है कि पंडित मंडन मिश्र के नाम पर जो शासकीय महाविद्यालय का नाम रखा जा रहा है क्या सही है या गलत है, अगर नहीं तो क्या नाम होना चाहिए था। चलिए हम बात करते हैं सीधे छात्रों से, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है राम पाटीदार, एमए समाजशास्त्र का छात्र हूं मैं, थर्ड सेम का। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे, शासकीय महाविद्यालय का नाम बदलने की घोषणा की, उन्होंने महर्षि पंडित मंडन मिश्र के नाम पर रखने की बात कही है, कैसे देखते हैं आप? सही है, ये बच्चों की ही मांग थी कि कॉलेज का नाम बदला जाए, कुछ अच्छा अतिरिक्त रखा जाए। लिखते हैं संजय बघेल। संजय, देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इस महाविद्यालय का नाम अब बदला जाएगा और पंडित मंडन मिश्र के नाम पर रखा जाएगा, कितना सही मानते हैं? 80%। मतलब 20% लगता है कि किसी और, कोई और नाम होना चाहिए था? किसका होना चाहिए था? ये अल्लाह माता मंदिर के नाम से। क्यों उनके नाम पर होना चाहिए था? ये इधर महेश्वर इसमें आता है ना, इसलिए। इसलिए क्योंकि अहिल्या बाई होलकर जो कि महेश्वर की महारानी रही है और न सिर्फ उन्होंने महेश्वर में बल्कि पूरे देश में कई काम किए हैं और इसी वजह से उन्हें लोग मातोश्री के नाम से भी जानते हैं और इनका मानना है कि उनके नाम पर इस महाविद्यालय का नाम होना चाहिए था। हालांकि 80% वो समर्थन मंडन मिश्र के नाम पर भी कर रहे हैं। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, क्या नाम लिखते हैं? कुणाल सेन। कुणाल, कैसे देखते हैं महाविद्यालय का नाम बदला जाएगा और पंडित मंडन मिश्र के नाम पर रखा जाएगा जैसा कि मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं? सही है, यही नाम अच्छा है, हम यही चाहते थे कि हमारी कॉलेज का नाम कुछ परिवर्तन हो। हाँ, तो मतलब नाम कुछ भी हो परिवर्तन होना था। हाँ, परिवर्तन चाहते थे। कितना लगता है कि अब नाम बदला जाएगा, नए नाम से जाना जाएगा कॉलेज? बहुत अच्छा लगेगा, नए नाम से कॉलेज मतलब प्रस्तुत होगा। क्या नाम लिखते हैं? सपना डावर। सपना, कैसे देखते हैं नाम बदला जाएगा कॉलेज का? अच्छा। पंडित मंडन मिश्र के नाम पर रखा जाएगा, कुछ जानते हैं उनके बारे में? नहीं। कॉलेज का नाम बदला गया है, अब नए नाम से कॉलेज जाना जाएगा, कैसा लग रहा है? जो पहले है वैसा ठीक है। मतलब जो शासकीय महाविद्यालय नाम था वही सही है, मतलब नाम नहीं बदला जाना चाहिए? नहीं बदला जाना चाहिए। इनका मानना है कि जो पहले नाम था शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर वही होना चाहिए, नाम नहीं बदला जाना चाहिए। और भी छात्रा हैं, क्या नाम लिखते हैं? जीनी कोगे। जीनी, क्या लगता है नाम बदला जाएगा कॉलेज का? पता नहीं, अच्छा है नाम, फिर भी देखते हैं क्या बोलते हैं आगे सब। नए नाम से कॉलेज जाना जाएगा, खुश है या नहीं खुश है? हाँ, वो तो कोई सा भी नाम अच्छा है, कोई सा भी नाम हो चलेगा, नाम होना चाहिए। बिल्कुल, ये घोषणा की है उन्होंने, ये बच्चों का ही था कि हमारी कॉलेज का नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या है कि इस नाम को शासकीय महाविद्यालय से नहीं, अधिकांश नाम तो इसको दगड़िया के नाम से ही जाना जाता है, कहीं पर भी क्या वो दगड़िया कॉलेज, तो इसीलिए हमारी मत थी कि कुछ भी नाम हो नाम चेंज होना चाहिए। जैसा कि छात्रों ने यहाँ हमें बताया है, कई छात्रों का ये मानना है कि हाँ कॉलेज का नाम बदला जाना चाहिए था, कई समय से वो लोग भी मांग कर रहे थे कि कॉलेज का नाम बदला जाए और जन भागीदारी समिति की मीटिंग में भी इस नाम पर प्रस्ताव हुआ था और इसी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस नाम पर मोहर लगाई और पंडित मंडन मिश्र के नाम पर इस कॉलेज को नाम रखने की घोषणा की है। अब देखते हैं कितने समय में कॉलेज का नाम यहाँ के बोर्ड पर नज़र आता है और प्रिंसिपल से भी हम यहाँ के जानेंगे कि क्या प्रक्रिया होने वाली है इस नाम को बदलाव को लेकर के, कितना समय में जो है इस बोर्ड पर हमें पंडित मंडन मिश्र का नाम देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ छात्रों का यह भी मानना है कि नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉलेज में व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कुछ छात्रों ने यह भी कहा है कि कोई और नाम होना चाहिए था, चूँकि ये क्षेत्र माँ अहिल्याबाई होलकर के नाम से भी जाना जाता था, उनका मानना है कि अहिल्याबाई के नाम पर इस महाविद्यालय का नाम होना था, लेकिन अधिकांश छात्रों ने पंडित मंडन मिश्र के नाम पर सहमति बनाई है और उनका मानना है कि नाम कोई भी हो नाम होना चाहिए। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन। हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को आचार्य मंडन मिश्र के नाम से इस महाविद्यालय के नामकरण की आवेदन भेजा गया है और चूंकि 5/1/2023 की जो हमारी जनभागीदारी समिति की बैठक हुई थी
और उसमें आचार्य मंडल मिश्र के नाम पर शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर का नाम रखा जाए यह प्रस्ताव पारित हुआ था। और उसी प्रस्ताव के आधार पर हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। अब कलेक्टर महोदय द्वारा जिला योजना समिति में इस आशय का लेटर रखा जाएगा और वहाँ से प्रस्ताव पारित होने के बाद में शासन को लिखा जाएगा। और जैसे ही शासन के द्वारा हमारे पास में पत्र प्राप्त होता है कि शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर का नाम आचार्य मंडल मिश्र के नाम पर रखा जाता है, उसी दिन से इस महाविद्यालय का नाम आचार्य मंडल मिश्र शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर हो जाए। सर थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि इस नाम के पीछे की कहानी, क्यों ये नाम होना चाहिए? क्योंकि आचार्य मंडल मिश्र इस देश के बहुत ही प्रख्यात पंडित रहे हैं और चूँकि वो मंडलेश्वर के ही रहने वाले थे और शिक्षा जगत में उनका योगदान अमूल्य है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और आदि शंकराचार्य के साथ में भी उनका शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें हालांकि वे हार गए थे, लेकिन वो एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा शास्त्रार्थ था और उससे उनका नाम पूरे जगत में विख्यात हुआ है। क्योंकि उनका नाम पूरा विश्व जानता है और यदि इस महाविद्यालय का नाम आचार्य मंडल मिश्र के नाम पर रखा जाता है तो ये बहुत ही गौरव की बात होगी, सम्मान की बात।